वेलकम वंस अगेन दोस्तों टू फैन ब्लेज फैंटेसी बाइट्स। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सेकंड T20I मैच फ्रॉम लाहौर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि PSL में बहुत सारी फ्रीली कोड्स, बहुत सारे बल्लेबाजी कॉन्टेस्ट और बहुत कुछ आ रहा है आप लोगों की तरफ। बड़ा रिक्वेस्ट यू ये वाले वीडियोस भी देखिए क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में मैच का फुल प्रीव्यू देता हूँ, फैंटेसी टीम्स देता हूँ, पंट पिक्स देता हूँ एंड यूजुअली जो काफी हद तक सब कुछ एक्यूरेट रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था रोहित शर्मा मेरा पंट पिक है एंड ही इज राइट नाउ बैटिंग ऑन 132 रन्स। सो कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट दिस वीडियोस। सब्सक्राइबर बेस जितना और बढ़ेगा उतने और अच्छे कॉन्टेस्ट, उतने और अच्छे फ्री लीग कोड्स आपको मिलते रहेंगे। तो आइए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। ऑन हेड टू हेड साउथ अफ्रीका 8-7 से पाकिस्तान से आगे है। लास्ट 10 गेम्स में बिल्कुल इक्वल है 5-5 से। पिछली 5 गेम में 3-2 से पाकिस्तान आगे है। पिछली सीरीज जो साउथ अफ्रीका में हुई थी वो 2-1 साउथ अफ्रीका जीती थी, मगर ये सीरीज फर्स्ट T20I हो चुका है जो पाकिस्तान 3 रन से जीती एंड दे आर 1-0 अहेड इन दिस सीरीज। लास्ट 5 ODIs देखे जाए तो पाकिस्तान की 3 जीत है, 2 लॉसेस है। दे बीट जिम्बाब्वे एट होम 3-0, बट उसके बाद न्यूजीलैंड जाके 1-2 सीरीज हारी है। मगर साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत खराब है रीसेंट टाइम्स में। दे हैव लॉस्ट ऑल 5 ऑफ द लास्ट T20 गेम्स। इंग्लैंड से 3-0 अपने ही घर पे हारी और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी 2-1 हारी है और अब खुद को 1-0 डाउन देख रही है। दोनों टीम्स के बीच हाईएस्ट स्कोर 195/7 है पाकिस्तान का सेंचुरियन में और लोएस्ट स्कोर दुबई में 98/9 है, वो भी पाकिस्तान का। सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं 151 रन फॉर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, अ गोल्डन डक इन द लास्ट गेम, बट एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर बिग दिस टाइम। दूसरी तरफ वी हैव रीजा हेंड्रिक्स विद 161 रन एंड 50 इन द लास्ट गेम। सबसे ज्यादा विकेट्स जो इस मैच में खेलेंगे उनमें हैं शाहीन शाह अफरीदी विद ओनली 3 विकेट्स। दूसरी तरफ वी हैव एंडाइल फेकलक्वायो विद 7 विकेट्स वर्सेस पाकिस्तान एंड 2 विकेट्स इन द लास्ट गेम एज वेल। दोस्तों लाहौर में मैच है, हम लास्ट 10 गेम्स देख रहे हैं एंड लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 98/9 रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का वर्सेस लाहौर कलंदर्स। हाईएस्ट स्कोर लाहौर कलंदर्स का है वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स 209/5 का। हाईएस्ट रन चेज यहाँ पे 190 की रही है लाहौर कलंदर की और लोएस्ट डिफेंड कितना हुआ है 169/6 पिछले मैच में ही जो पाकिस्तान ने डिफेंड किया। दोस्तों दिस इज अ वेरी हार्ड ग्राउंड टू डिफेंड स्कोर्स इन। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 172 का है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 163 का है, सो हाई स्कोरिंग एज वेल। एंड जैसे मैंने कहा टफ ग्राउंड टू डिफेंड इन। 7-3 से एडवांटेज है लास्ट 10 गेम्स में टीम चेजिंग की। पाकिस्तान इस ग्राउंड पे 7 मैच जीता है, 4 हारा है। साउथ अफ्रीका ने एक ही मैच खेला है जो फर्स्ट T20 था और वो 3 रन से हारी। कूल डे होएगा, पाकिस्तान में भी विंटर खत्म हो रही है, 14 और 20 डिग्री के बीच में टेम्परेचर विद नो चांसेस ऑफ रेन। और इस पिच की बात की जाए तो ये पिच स्पेशली इन द पावर प्ले बहुत फ्लैट खेलता है। टीम्स कैन गो हार्ड एंड स्कोर बिग रन इनसाइड द पावर प्ले, बट जैसे ये बॉल हार्ड से सॉफ्ट होने लगती है तो विकेट पे भी थोड़ी चिपकने लगती है, प्लस इट डज नॉट कम ऑन टू द बैट दैट वेल। इसलिए स्पिनर्स कम इन टू द इक्वेशन। हमने पिछले मैच में भी देखा पाकिस्तान वन इट इन द मिडिल ओवर्स, तो दोनों टीम्स विल लुक टू गो हार्ड इनसाइड द पावर प्ले। स्कोर आई थिंक 160-170 के अराउंड रहेगा एंड अगेन आई फील चेस डाउन हो जाएगा इस बारी। इट्स अ हार्ड ग्राउंड टू डिफेंड ऑन, सो एक्सपेक्ट दोनों टीम्स वंस अगेन विनिंग द टॉस एंड लुकिंग टू फील्ड फर्स्ट। दोस्तों प्लेइंग 11s आई फील अगेन पाकिस्तान शुड गो इन विद द सेम टीम। साउथ अफ्रीका के पास भी ज्यादा चॉइसेस नहीं है। आई थिंक ड्वेन प्रिटोरियस शायद बाहर बैठ जाए और कोई और प्लेयर आ जाए, बट अगेन आपको पता है टेलीग्राम पे जैसे ही टॉस होता है मैं आपको टीम्स भी दे देता हूं और फिर अपनी फैंटेसी टीम्स भी GL एंड सेफ देता हूं। सो प्लीज टेलीग्राम का लिंक जो बिल्कुल अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है वहां जाइए और प्लीज फॉलो करिए। स्टैंड आउट परफॉर्मर्स ऑफ कोर्स बाबर आजम 156 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका के साथ बैटिंग करता है ये। 150 है 4 इनिंग्स में, एक गोल्डन डक भी है, बट एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर द रन्स दिस टाइम। मोहम्मद रिजवान इन फाइन फॉर्म, 100 भी मारे हैं पिछले मैच में, टेस्ट मैचेस में भी साउथ अफ्रीका के साथ सेंचुरी मारी है, तो अगेन या बाबर आजम या रिजवान विल बी द बिग स्कोरर्स दिस गेम फॉर पाकिस्तान। रीजा हेंड्रिक्स वेरी गुड प्लेयर, ही इज एन एंकर प्लेयर, 250 हैं 4 इनिंग्स में इसके वर्सेस पाकिस्तान इंक्लूडिंग अ 50 लास्ट गेम। हेंड्रिक क्लासन बाय द वे स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, इसका स्ट्राइक रेट 149 का है इन हिज T20 करियर एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट टू सी। तबरेज शामजी वेरी गुड बॉलर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है बैट्समैन को, 2 विकेट इसके पिछले मैच में भी है। ओवरऑल इसका T20 इंटरनेशनल इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है 7.6 का। इवन उस्मान क्वादिर जो एक लेग स्पिनर है ही बोल्ड वेरी वेल लास्ट गेम, 2/20 के फिगर्स थे एंड अगेन आई एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल दिस गेम एज वेल। दोस्तों कैप्टन ऑप्शंस मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अदरवाइज जानेमन मलान है क्योंकि ये एक बहुत हाई स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करता है। रीजा हेंड्रिक्स इज मोर एन एंकर प्लेयर एंड ही बिकम्स अ बेटर वाइस कैप्टन ऑप्शन। देन वी हैव हेंड्रिक क्लासन अनदर प्लेयर हु कैन स्कोर अ क्विक फायर 30-40 एंड देन GL खेल रहे हो तो उस्मान क्वादिर
कैन बी अ नाइस रिस्की बट हाई पे ऑफ वाला वाइस कैप्टन ऑप्शन। मेरे दोस्तों परफॉर्मर प्रेडिक्शंस, बाबर आजम एंड उस्मान कादिर है फ्रॉम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका से रीजा हेंड्रिक्स है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग तबरेज शामजी वंस अगेन टू बोल वेल एंड टेक सम विकेट्स। पंक पिक मेरे मोहम्मद रिजवान अगेन, ऑफ कोर्स आई वुड हैव टू कीप हिम देयर, ही इज इन ग्रेट फॉर्म, बट समबडी जो नंबर 4 पे बैटिंग करता है हुसैन तलत, ही स्टार्टेड वेल लास्ट गेम एज वेल, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ही माइट स्कोर अ गुड 40 ऑड रन्स दिस टाइम। साउथ अफ्रीका से एंडाइल पेकलो क्वायो, क्योंकि ये बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट करता है प्लस डेथ में भी बोलिंग करता है, और मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मैच भी पाकिस्तान जीतेगी एंड दे विल टेक द सीरीज 2-0 विद वन मोर टू प्ले, एंड फिर मैं थर्ड T20 मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जीत के अपनी कैंपेन में थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी लाएगी। दोस्तों ये एक सेफ टीम है आप लोगों के लिए, सेफ और GL टीम में टेलीग्राम पे भी दूंगा आफ्टर द टॉस, तो वहां पे प्लीज फॉलो करिए। यहां पे रिजवान, बाबर आजम, हैदर अली और हुसैन तलत है अलॉन्ग विद जानेमन मलान, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर एंड डायल फेकलोक्वायो विद तबरेज शामजी, उस्मान कादिर एंड हारिस राउफ, बिकॉज राउफ भी डेथ में अच्छी बॉलिंग करता है। कैप्टन मैंने बाबर आजम को बनाया है और वाइस कैप्टन मैंने जानेमन मलान को बनाया है, और अगर आप देखें मेरे पास दोनों टीम्स के दोनों ओपनर्स हैं, रीजन बीइंग जो मैंने आपको पिच के बारे में बताया कि इट इज इजीएस्ट टू बैट अगेंस्ट द न्यू बॉल, तो बोथ दी ओपनर्स विल लुक टू गो हार्ड अगेंस्ट द हार्ड बॉल। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, 10.7K पे बैठे हैं, अब 11K पहुंचाना है बिफोर द PSL, क्योंकि 11K के बाद हमें ऑफर्स भी बेटर मिलेंगे टू गिव टू यू गाइस। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड लक।